कृषि कानून के विरोध में भारत बंद को लेकर करनाल का जिला प्रशासन चौकस दिखाई दिया। आपको बता दें कि आज 8 दिसंबर को किसानों द्वारा भारत बंद रखने का ऐलान कर रखा था। कृषि कानून के विरोध में देश भर के किसान एकजुट दिखाई दे रहे हैं। पिछले 13 दिनों से दिल्ली में भी किसान जुटे हुए हैं। बता दें कि किसान आंदोलन के चलते देश भर में 8 दिसंबर के बंद के मद्देनजर करनाल जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए। जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव स्वयं मोर्चा संभाले हुए दिखाई दिए। सभी इलाकों में पहुंचकर स्वयं स्थिति का जायजा लिया गया। जिला उपायुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि करनाल में शांति प्रिय तरीके से किसान आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से निपटने के लिए जिला प्रशासन की ओर से व्यापक प्रबंध किए गए हैं। बताते चले कि कोई अप्रिय घटना घटित ना हो को लेकर भारी पुलिस बल भी चौक चौराहे पर दिखाई दिया। करनाल से तरुण मदान की रिपोर्ट। आज भारत बंद का जो कॉल है और उसमें आज हमने मैंने और एसपी साहब ने मिलकर के जो हमारे यहाँ का मार्केट है उसका दौरा किया और हम सारे किसानों सारे जो व्यापारी भाई हैं उनको आश्वस्त कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। प्रशासन उनके साथ है। हमने सफिशिएंट मात्रा में हमारे पुलिस पर्सनल है पीसीआर से उनको डिप्लॉय कर रखा है और किसी भी तरीके से जो बाकायदा जो प्रोटेस्टिंग ग्रुप्स हैं उनका भी प्रोटेस्ट उनसे हमारी बात हुई है उनका जो प्रोटेस्ट है वो भी शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। उन्होंने कुछ दुकानदारों से आग्रह किया है रिक्वेस्ट की है कि वो दुकान बंद रखें तो ये पूर्णतया जो है दुकानदार हैं उनके ऊपर है कि वो अपनी दुकान खुला रखना चाहते हैं या बंद रखना चाहते हैं। तो मेरा सारे दुकानदार भाइयों से व्यापारियों से आग्रह है कि वो अपनी दुकानें रेगुलर की भांति खुली रखें। प्रशासन का पुलिस का पूरा उनको सपोर्ट है और किसी भी तरीके से उनके कार्रवाई में बाधा नहीं आने दी जाएगी। बीते कल जो पाडा गांव में हरकत हुई है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? पाडा गांव में सीएम साहब का कोई शेड्यूल था जो बाद में कैंसिल हो गया था उसको लेकर के जो वहां तैयारियां की गई थी और जो वहां मॉडल पॉइंट पे काम चल रहा है उसमें कुछ शरारती तत्वों ने डिसरप्शन करने की कोशिश की है। ऐसे कुछ लोगों को हमने चिन्हित कर लिया है और बाकी जो लोग हैं उनको भी चिन्हित करने की प्रक्रिया जारी है। उन सब के खिलाफ जो कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और इसमें मुकदमा भी हम उनके खिलाफ दर्ज करेंगे। सर कितने बजे तक आंदोलन? आज 3 बजे तक की इनकी कॉल है और उसके बाद जो है सारी चीज़ें सामान्य हो जाएंगी। हमारा प्रशासन का पूरी तरह से विश्वास है कि हम जीटी रोड को पूर्णतया चालू रखेंगे और जो जिले के मुख्य सड़क हैं उनको भी वो भी चालू रहेंगी। जो इनका प्रदर्शन है वो अभी तक पूर्णतया शांतिपूर्ण है। मैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग उनसे भी आग्रह करूंगा कि अपने प्रदर्शन को पूर्णतया शांतिपूर्ण रखें। जी बिल्कुल, सीएम साहब का प्रोग्राम है, लगभग 3:30 बजे के आसपास सीएम साहब यहाँ पे आएंगे। देखिए, ये थे हमारे साथ करनाल के डीसी निशांत कुमार यादव, जिन्होंने हमें यह बताया कि जो भी आंदोलन है, जो भी आंदोलन कर रहे हैं या जो भी इसमें भाग ले रहे हैं उनसे भी अपील की गई है, उनसे भी अपील की गई है कि वो शांतिपूर्वक अपना धरना अपना आंदोलन को चलाएं। और उन्होंने व्यापारी भाइयों से भी यह आग्रह किया कि वो किसी भी तरह से किस ना घबराएं और अपनी जो है कार्रवाई सुचारू रूप से रोजमर्रा की भांति चलाएं। उनको किसी भी तरह कोई भी बाधा आने नहीं दी जाएगी। उनके लिए प्रशासन के द्वारा और पुलिस के द्वारा पूरे तरह से प्रयासरत है। एक अन्य जो कल पाडा गांव में जो शरारती तत्वों द्वारा जो हरकत की गई थी उसके संदर्भ में भी उन्होंने हमें जानकारी दी है कि जो भी शरारती तत्व है उनको चिन्हित कर लिया गया, उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई को अमल में लाया जाएगा। इसके अलावा सीएम साहब का प्रोग्राम पिछली तरह की भांति जो इनका शेड्यूल है वैसे का वैसे रहेगा। मैं तरुण मदान, सीनियर कैमरा पर्सन सन्नी चौधरी, समाचार एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.